इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे लिए गए चॉइसेस में कितना पावर है और हम कैसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में सही चॉइसेस, सही डिसीजन लेकर कुछ समय में ही अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ तक कि दिन में सिर्फ एक सही चॉइस लेकर भी हम कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं, और तो और वो सही चॉइस कैसे लें, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलो हम ये समझते हैं एक कहानी से। ये कहानी है दो दोस्तों की, चलो नामकरण भी कर ही देते हैं। तो ये कहानी है राम और श्याम की, उनकी दोस्ती की। वो दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे, मतलब उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों बचपन से ही साथ रहते, साथ खेलते, साथ नहाते, यहाँ तक कि वो दोनों चड्डी भी एक जैसी पहना करते थे। ऐसा क्यों, ये आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। और दोनों की हॉबीज़ भी एक जैसी थी, दोनों को एक ही तरह के गेम्स खेलना पसंद था, और तो और दोनों का सपना भी एक जैसा ही था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों हर तरह से एक समान थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वो दोनों अलग अलग राह पर चल पड़े। काफ़ी समय बीत जाने के बाद चलिए देखते हैं दोनों की ज़िंदगी अब कैसी चल रही है। बात करें राम की, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके बारे में उसने सोचा था। उसके पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। उसके पास अच्छे दोस्त हैं, खुशहाल परिवार है, वो फिज़िकली फिट है, मतलब समझ लो अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू से वो खुश है। और वहीं दूसरी ओर बात करें श्याम की, तो वो राम से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो अपने हर एक बिजनेस में फेल हो गया, जो उसने करना चाहा सब में नाकाम रहा। इस हद तक कि कभी कभी तो उसके पास अपने बिल्स तक भरने के भी पैसे नहीं होते। उसके ना कोई दोस्त हैं, ना ही परिवार। वो अब इतना अनफिट हो चुका है कि चंद सीढ़ियां चढ़ने में भी उसे थकान महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दूसरे से अलग होने के बाद भी वो दोनों टच में हैं एक दूसरे के, और इनफैक्ट वो दोनों रोज़ बात करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दोनों दोस्त एक ही व्यक्ति है। What? पहला दोस्त राम उस व्यक्ति का बेस्ट वर्जन है, मतलब वो लाइफ में जैसा बनना चाहता है बिल्कुल वैसा ही है। जबकि दूसरा दोस्त श्याम उस व्यक्ति का वर्स्ट वर्जन है, मतलब जैसा वो बन जाएगा अगर उसने सही चॉइसेस नहीं लिए तो। सारा कुछ जैसा वो बनना चाहता है या फिर जैसा वो बनेगा, सब उसके लिए गए चॉइसेस पे निर्भर करता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसा ही है। What? जैसा हम बनना चाहते हैं या फिर जैसा हम बन जाएंगे, ये सब हमारे रोज़मर्रा के जीवन में लिए गए चॉइसेस पे निर्भर करता है। आपके, मेरे और हम सबके अंदर वो क्षमता है खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने का। वहीं दूसरी ओर ऑप्शन भी है अपना वर्स्ट वर्जन बनने का, जो कि कोई भी बनना नहीं चाहेगा। तो आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे या वर्स्ट, ये सब आपके रोज़ लिए गए चॉइसेस पे निर्भर करेगा। चलिए ये समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल वन, जब आपको भूख लगती है तब आपके पास ऑप्शन होता है घर में बना हुआ हेल्दी खाना खाने का, जिससे आप फिट और हेल्दी रहोगे, या फिर बाहर का अनहेल्दी जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स वगैरह, जो आपको अनफिट तो करेगा ही, साथ ही वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एग्जाम्पल टू, जब आप बोर होते हो तब आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पे फालतू के वीडियोज़ देखने का, जो कि आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस देखने का जिससे आप कुछ नया सीख पाएं। इस वीडियो पे क्लिक करना भी आपकी चॉइस थी जो आपने ली ताकि आप कुछ सीख सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल थ्री, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तब आप अपना फ्री टाइम बेवजह टीवी देखने में वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई बिजनेस बुक रीड कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह का सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ के अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इन तीनों एग्जांपल्स में आपके पास पावर है चूज़ करने का, और आपका डिसीजन ही तय करेगा कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे या फिर वर्स्ट। माना कि एक दिन चिप्स खा के आप मोटे नहीं हो जाओगे, या फिर एक दिन बुक पढ़ के आप इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे, पर अगर यही चॉइसेस रोज़ लिए गए तो।
इनफैक्ट रोज़ सिर्फ 30 मिनट ही रीड करके आप एक साल में 15 से 20 बुक पढ़ सकते हो, जो कि सिर्फ 30 मिनट के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बुरी डील नहीं है, राइट? अगर आप रोज़ सही चॉइसेस लो और फिर उसे रिपीट करते जाओ तो वो दिन दूर नहीं जब सही चॉइसेस लेना आपकी आदत बन जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली आप रोज़ अपना हर कदम सफलता की ओर बढ़ाओगे। अरे हर कदम ना सही, रोज़ कम से कम एक कदम भी आप आगे बढ़ा रहे हो ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शुरुआत करो उस एक कदम से, एक सही चॉइस से। रोज़ कम से कम एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना कि जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ क्या वो मुझे अपने बेस्ट वर्जन की ओर ले जाएगा या फिर अपने वर्स्ट वर्जन की ओर, क्या वो मुझे सक्सेस की ओर ले जाएगा या फिर फेलियर की ओर। ये सवाल खुद से पूछो, फिर सही डिसीजन लेके सही डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप आज कम से कम एक सही चॉइस तो ज़रूर लोगे। नीचे कमेंट करके बताओ कि वो सही चॉइस कौन सा होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिनकी आप केयर करते हैं, ताकि उन्हें भी सही चॉइस लेने में हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। धन्यवाद।